दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बहुत सारे मोबाइल के बारे में, जिसे आप अमेजन से परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सैमसंग का गैलेक्सी M30 मोबाइल के बारे में, जिसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। अगर इसका हम डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगा सुपर एमोलेड का HD डिस्प्ले, जिसका साइज 6.4 इंच होगा। कैमरा सेटअप इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जो पहला होगा 13 MP का और दूसरा 5 MP का और तीसरा भी 5 MP का। फेस के लिए इसमें 16 MP का कैमरा दिया हुआ है। अगर इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो 8.1 का ओरियोस ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो 1.8 GHz क्लॉक तथा जिनॉक्स 7904 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ ये आपको आएगा है। जिसका प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस है इसका 16,490, लेकिन अमेजन सेल में इसका अभी प्राइस 12,499 रुपये का ऑफर सेल में ये चल रहा है। इसमें अगर हम बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का लिथियम आयोन, जो 3 गुना फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगा। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 15 वाट का टाइप सी चार्जर मिलेगा। दोस्तों दूसरा मोबाइल यहाँ पे सैमसंग का गैलेक्सी M30s है। इसमें भी आपको 4 GB रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसका अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका साइज 6.4 इंच होगा, फुल HD के साथ ही आएगा आपको। कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जो 48 MP का होगा और 8 MP का और 5 MP का। फेस के लिए इसमें आपको 16 MP का कैमरा दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो पाई का 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें, जो 2.3 GHz और 1.7 GHz पर ये रन करेगा। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो जेनॉक्स का 9611 ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें दिया गया है। इसमें आपको 6000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो 15 वाट का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। दोस्तों अगला फ़ोन शाओमी का MI 3 है, जो 2 वेरिएंट में आपको अवेलेबल होगा, 4/64 और 6/128। इसमें अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो एमोलेड का HD डिस्प्ले होगा, जिसका साइज 6.88 इंच होगा। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, 48 MP का और 8 MP का और 2 MP का, जो AI के साथ आएगा। इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड, HDR मोड, PDAF को सपोर्ट करेगा। फ्रंट कैमरा में आपको इसमें 32 MP का कैमरा मिलेगा, जो अपर्चर F2.0 के साथ आएगा, और इसमें पोर्ट्रेट मोड और HDR मोड दोनों सपोर्ट करेगा। इसका अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो एंड्रॉयड पाई का 9.0 2.0 GHz के साथ क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आएगा। इसमें अगर हम GPU की बात करें तो एड्रोनो का 610 इसमें GPU लगा हुआ है। बैटरी इसमें 4030 mAh है, जो बैटरी बहुत ही कम है इसमें। दोस्तों अगला मोबाइल है वीवो का Y17 मॉडल, जो बहुत ही लेटेस्ट और देखने में बहुत ही खूबसूरत मॉडल है ये। इसमें आपको 4 GB और 128 GB का इंटरनल मेमोरी मिलेगा। डिस्प्ले की अगर इसमें बात करें तो 6.35 का हेलो फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा। कैमरा सेटअप इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 13 MP का, 8 MP का और 2 MP का, जो HDR मोड और पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट करेगा। फ्रंट में आपको 20 MP का कैमरा इसमें दिया गया है। इसमें अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो पाई एंड्रॉयड पाई का 9.0 इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो मीडिया टेक का P35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। बैटरी अगर इसमें हम बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh का लिथियम ईयन मैसिव बैटरी, जिसको चार्ज करने के लिए इसमें डुअल इंजन का प्रयोग किया गया है।
इसकी अगर प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस आपको 18,990 रुपये पहले था, लेकिन अमेजन सेल में मात्र आपको 14,990 रुपये का पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस मोबाइल को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अगला फ़ोन है हुआवे का Y9 Prime, जो 2019 का बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन है। देखने में भी और बजट फ़ोन में ये बहुत ही सबसे अच्छा स्मार्टफोन है, जो 4 GB RAM और 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आएगा। डिस्प्ले का अगर इसका बात किया जाए तो 6.59 इंच का डिस्प्ले होगा, जो TFT LCD और LTPS HD डिस्प्ले होगा, जिसका रेजोल्यूशन आपको 2340x1080 पिक्सल तथा 391 DPI पिक्सल की डेंसिटी इसमें है। कैमरा इसकी बात करें तो ट्रिपल कैमरा का इसमें सेटअप दिया गया है, 16 MP का और 8 MP का और 2 MP का, जो 1.8 अपर्चर तथा 2.4 अपर्चर के साथ इसमें दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो एंड्रॉयड पाई का वर्जन 9.0 प्लस EMUI का 9.0.1 ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया गया है। 2.2 GHz का कोर्टेक्स A73 प्लस 1.7 GHz का कोर्टेक्स A53 हाई सिलिकॉन क्रीन 710F ऑक्टा कोर प्रोसेसर में इस्तेमाल किया गया है। बैटरी की बात करें तो बैटरी 4000 mAh का है, बैटरी इसमें थोड़ा सा लो दे दिया है। दोस्तों इसका अगर बात करें तो इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस 19,990 रुपये है, लेकिन अभी अमेजन सेल में इसका प्राइस 15,990 रुपये है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें से कोई भी मोबाइल खरीदना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस मोबाइल को खरीद सकते हैं। और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।